और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बुक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। और इस बुक में 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। साथ में इसी प्रैक्टिस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट पेपर भी हैं और 5 साल्ड पेपर भी हैं 2016 से लेकर के 2020 तक की। इस पुस्तक की कुछ खासियत भी हैं, जैसे इस पुस्तक में प्रत्येक विषय के बारे में बताया गया है कि किस विषय के कितने क्वेश्चन किस वर्ष ज़्यादा पूछे गए हैं किस भाग से। यहाँ पर जैसे बताया गया कि बाल विकास से 2013 में 10 क्वेश्चन आए हैं, 14 में 9 क्वेश्चन आए, 16 में 5 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से जो बहुत सारे लेसन्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है सभी विषयों की, और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि यूपीटीईटी की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यूपीटीईटी की बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन की उपलब्ध हैं, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या अलग अलग विषय की जो बुक्स हों, इन सभी की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में जो सर्वप्रमुख सूचना है वो कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 9 मेडिकल कॉलेजों में 3000 भर्तियाँ होंगी, समाचार पत्रों में तो लगातार जानकारियाँ आती हैं और उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ नहीं आती हैं। अब चुनाव का समय है तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो और तेज़ी से आने लगी हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्र में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में इसी माह कर्मचारियों की बंपर भर्ती होने जा रही है और यह वे नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनका लोकार्पण गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भर्ती की संख्या 3000 से ज़्यादा होगी, भर्तियां इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगी, एक माह के अंदर इसको पूरा भी किया जाना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और महानिदेशालय ने इसी संबंध में सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल उन 9 मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की तैनाती की जा रही है जिन्हें पिछले माह NMC ने सत्र 2021 के लिए अनुमति दी थी। इनमें फतेहपुर, एटा, मिर्जापुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, हरदोई, प्रतापगढ़, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज शामिल है। अभी यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से पद हैं और यह भी नहीं बताया गया है कि भर्ती किस तरीके से होगी। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, जितने भी फेसबुक ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में कल देर रात तक विद्यार्थी इंतजार करते रहे लेकिन परिणाम जारी नहीं किया गया और जानकारी अब ये दी गई है कि अब ये परिणाम सोमवार यानी 15 नवंबर को जारी होगा। लिखा हुआ है कि अब जो परिणाम है वो 15 नवंबर जारी होगा और साथ ही सूबे को 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक मिल जाएंगे। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 12 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि थी लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से परिणाम जारी नहीं हो सका, तो विद्यार्थियों को लगभग 3 दिन अभी और इंतजार करना होगा। अगली जो सूचना है वो है प्रधानाचार्य भर्ती की। माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया उसमें बदलाव किया गया है। लिखा हुआ है कि अब लिखित परीक्षा से होगी ये भर्ती। ये देखिए लिखा हुआ है, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। फिलहाल साक्षात्कार के जरिए प्रधानाचार्य चयन की व्यवस्था है। शासन के आदेश पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे जल्द भेजा जाएगा। खास बात यह है कि सहायक अध्यापक भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। लिखा हुआ है कि इससे पहले सहायक अध्यापकों से यानी जो LT ग्रेड और TGT के जो अध्यापक होते हैं बात उनकी हो रही है। सहायक ये जो TGT और LT यानी कि जो होते थे वो हाई स्कूलों में जो हाई स्कूल हुआ करते थे तो वहाँ के प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करते थे और जो PGT होते थे तो वो इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किया करते थे। अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, ये एक बदलाव किया गया है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के चयन के लिए 500 अंकों में से 300 अंक यानी 60% की लिखित परीक्षा कराई जाएगी, शेष 200 अंक अधिभार, अनुभव और साक्षात्कार इत्यादि से निर्धारित होंगे।
अगली सूचना है दरोगा भर्ती की, यूपीएसआई की कल से जो परीक्षाएं वो शुरू हो गई हैं। लिखा हुआ कड़ी निगरानी में हुई दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा और दरोगा सहित समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुक्रवार को शहर के 8 केंद्रों पर पुलिस की कड़ी निगरानी में हुई। सुबह से लेकर के शाम तक 3 पालियों में लगभग 2500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। डीसीपी काशी जोन के नेतृत्व में सभी एसीपी ने अपने अपने सर्किल के केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिया। पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया विद्यार्थियों की, किसी को हिंदी टफ लगी तो किसी को रीजनिंग टफ लगी, किसी को मूल विधि टफ लगी और पेपर बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं रहा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को तार्किक योग्यता और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने खूब उलझाया। शुक्रवार को यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई। लखनऊ में यह 14 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा हुई और पहले चरण में 17 नवंबर तक यह परीक्षा चलेगी। आप लोगों ने अगर इस परीक्षा को दिया हो तो आप लोग जरूर बताएं कि आपके लगभग कितने प्रश्न सही हैं और कैसा रहा है आपका पेपर। अगली सूचना UP SSC की, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें और जो भी सूचनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण सूचनाएं ही होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है UP SSC के बारे में, चयनित 336 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित, नियुक्ति का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयनित 336 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने सम्मिलित आशू लिपिक भर्ती 2016 में इन अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। आयोग 14 विभागों के नियंत्रण वाले आशू लिपिक के रिक्त 352 पदों के सापेक्ष 336 पदों पर चयन करते हुए अंतिम चयन परिणाम 2 जुलाई को जारी किया था। अब विभागवार अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। सर्वाधिक 236 कार्मिक सिंचाई व जल संसाधन विभाग को, जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग को राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए 31 कार्मिक मिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश में SI की भर्तियां निकली हैं। दरोगा की, सब इंस्पेक्टर की 800 पद हैं और यहाँ पर लिखा है अधिकतम जो आयु वो 28 से 30 वर्ष है। आवेदन शुल्क 550 रुपये, 400 रुपये। पात्रताएं, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री एवं अन्य पात्रता होनी चाहिए। आवेदन की तिथि यहां पर है कि 10 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। jkssb.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना UPTET की है। लिखा है आज तय होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के केंद्र। UPTET के अभी तक परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से तय नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर के विभिन्न तरह की अफवाहें उड़ रही थी, चर्चाएं हो रही थी और लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि आज जो परीक्षा केंद्र हैं वो तय हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के लिए केंद्र शनिवार को तय किए जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केंद्र निर्धारित करके सूची मांगी थी। इसमें से कुछ जिलों ने आज सूची उपलब्ध करा दी है, कुछ जिलों ने अभी भी सूची नहीं पहुंचाई है और उम्मीद है कि आज सूची पहुंच जाएगी और जो परीक्षा केंद्र हैं वो आज तय हो जाएंगे। चूंकि 17 नवंबर को UPTET के एडमिट कार्ड भी जारी होना है, इसलिए 17 नवंबर के पहले पहले तो हर हाल में परीक्षा केंद्र तय हो ही जाने चाहिए। आज है 13 तारीख और 15 तारीख से प्रयागराज में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। जैसे 15 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा वो PNP में होगा। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचित कर रहा हूँ और इस बार आप लोग जरूर आइए। 16 तारीख को बालसन चौराहे प्रयागराज पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर के विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं बहुत सारे जो छात्र हैं और जो पूरी व्यथा बता रहे हैं छात्रों से कि सरकार का अब कोई मूड नहीं है नौकरी देने का और सरकार की तरफ से कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और सभी जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का समय निकाल करके, 2 दिन का समय निकाल करके धरना प्रदर्शन में अवश्य आए। ये देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि सरकार के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आचार संहिता को लगने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं और यह भी पता होगा मैडम पढ़ाई रही होंगी कि आचार संहिता लगने के बाद नई योजना से लेकर ना कोई विज्ञापन जारी होता ना कुछ जारी होता है। और आपको यह भी पता होगा कि 16 वर्ष प्रणवस्त नहीं है आप सब और सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 15 नवंबर को जरूर आप लोगों को PNP में पहुंचना है और 16 तारीख को
विभिन्न भर्तियों को लेकर के, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी है, टीजीटी पीजीटी भी है, एलटी भी है, यूपी ट्रिपल एससी भी है, और अब रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की मांग भी हो रही है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा की तारीखें तय की जाएं। इन सभी मांगों को लेकर के बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन होना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।